नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं अमिताभ बच्चन और आप देख रहे हैं बीबीसी मराठी। जितने भी देवी और सज्जन देख रहे हैं उन सबको मेरी ओर से प्रणाम और नमस्कार और जय महाराष्ट्र। हमने कहा था भाई साहब आपको कि कहीं भी आपको दुविधा हो तो आप लाइफ लाइन का इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन आपने लाइफ लाइन का इस्तेमाल नहीं किया और झट से जवाब दिया। मुझे बताते हुए बड़ा अफसोस नहीं हो रहा है आपका? बिल्कुल सही जवाब, प्लीज गो बैक हैंड। सोनी टीवी ने माला एक मेल खेला का यू आर इन्वाइटेड फॉर केबीसी शूट। जैसे ये केबीसी खत्म होता है हम आपको बच्चन साहब के सामने हम लेके जाएंगे। आप बच्चन साहब को बताओ कि आपने क्या काम किया, क्योंकि हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि आपने कोविड के अंदर एज अमिताभ बच्चन बनकर पेशेंट से बात करके पेशेंट को जो हौसला दिया है, उनका आत्मविश्वास बढ़ाया है, उनका मनोबल बढ़ाया है, ये सबसे बड़ी बात है और ये दुनिया को पता होनी चाहिए। तो इसके लिए हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं और आप मतनी तिथे माइक घेतला, माइक घेऊन सगळे लोक उभे राहिले आणि माझ्यासाठी टाळ्या वाजवल्या का नाही। ये शशिकांत बिडवाल है, पेशे से टीचर हैं। जब कोविड चल रहा था तो उस पैंडेमिक में इन्होंने अमिताभ बच्चन बनकर कई सारे लोगों को हौसला दिया, मनोबल बढ़ाया। तो एक बार इनकी जोरदार ताली होनी चाहिए। आणि नंतर बच्चन साहब बोले, क्या बात है यार, आपके दिमाग में कैसे आ गया ये? हाँ बोला, सर बस जब आपको हम देखते हैं, आप पोलियो के लिए काम करते हैं, टीबी के लिए काम करते हैं, कोरोना के लिए काम करते हैं, हर चीज़ के लिए आप जब खड़े हो जाते हैं, तो जब मैं आपकी प्रतिकृति का काम करता हूँ, लुक लाइक का काम करता हूँ, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे हाथों से भी कुछ होना चाहिए। तुमचा पिक्चर, गोविंदाचा पिक्चर, धर्मेंद्राचा पिक्चर बघते मी। ज्यावेळेस सेकंड ही लहर आली ना, तर त्यावेळेस लोकांमध्ये खूप भीती होती, भयानक भीती। लोकांना असं वाटायचं का ज्यावेळेस आपण एकदा कोविड झाला आणि आपण जर हॉस्पिटलला ॲडमिट झालो तर आपली डेड बॉडी आपल्या नातेवाईक मिळणार नाही। मी बघितलं का यांच्या मनात जी भीती आहे ती आपल्याला घालवायची। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रू श्वेत रक्त से लखपत 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 अग्निपत अग्निपत अग्निपत। आणि मी प्रयत्न केला आणि काही पेशंटशी मी बोललो तर त्याचा रिझल्ट इतका जबरदस्त आला आणि लोकांमध्ये खूप बदल व्हायला सुरुवात झाली। नाही यार, बच्चन साहेब माझ्याशी बोलतात आणि मी त्यांच्याशी बोलतो आहे फक्त एक मिनटं दीड मिनटं, पण त्या दीड मिनटानंतर येणारा प्रत्येक मिनिट जो आहे ना तो खूप पॉझिटिव्ह त्यांच्यासाठी। त्यांना असं वाटतं का अरे विसरलो आपल्याला कोविड आहे का नाही, मस्त गप्पा मारतायत, अरे खरे तुझं काय, अरे माझ्याशी गप्पा मारल्या, बच्चन साहेब आले, घरी फोन करतो होतो, हे आता मला फोन न करू, बच्चन साहेब बोलता माझ्याशी। हां म्हणजे त्यांना एक आनंद आला आणि त्या आनंदात ते आपलं दुःख विसरलं आहे आणि डॉक्टर लोक खुश झाले। म्हणजे त्यांनी मला सांगितलं, सर आपकी जो कला आहे ना वो हमारी दवाई से ज्यादा काम कर रही है। गेले अनेक वर्षापासून ज्यावेळेस मी दहावीला होतो तर माझे मित्र कंपनी मला सांगायचे, नाही यार तुमचा आवाज जो आहे बच्चन साहेबांशी निरवट मॅच करतो आहे आणि चेहरा पण मॅच करतो आहे। मी हळूहळू सुरुवात केली आणि माझी हेअरस्टाईल चेंज केली, त्याच्यानंतर आवाजात खूप मी प्रयत्न केले आणि खूप मेहनत घेतली मी हळूहळू। बच्चन साहेबांचा खरा आशय आहे, ए क्या बोलता आहे, हां तर ते येण्यासाठी मी खूप प्रयत्न केले आणि वारंवार सकाळी लवकर उठायचं, योगा करायचा आणि प्राणायाम ओम उच्चार असं करता करता हळूहळू हळूहळू तो आवाज माझा जवळपास अमिताभ बच्चनशी मॅच झाला। मी गाडीत बसलो होतो, ते गाडीचा काच खाली गेला। सर नमस्कार करता हूँ आपको, एक प्रोग्राम के लिए जाना है और आपकी परमिशन हो तो हम जा पाएंगे भाई साहब, रिक्वेस्ट करते हैं आपको। अरे बच्चन साहब जाइए आप। तो असं खूप ठिकाणी होतं, लोकांना कळतच नाही का शशिकांत पेडवाल है का अमिताभ बच्चन। जो किया वो करने की मजबूरी थी, जो कहा वही जो मन के अंदर से उबल चला, जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कि कुछ देर कहीं पर बैठ
कभी ये सोच सकूं जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा बना। श्रीमान गुरुदेव अमिताभ बच्चन जी, आपको जन्मदिन की अनेक अनेक शुभकामना देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जितने भी आपके दुख है वो मुझे मिले और जितनी भी मेरी उम्र है वो आपको मिले। अनेक अनेक शुभकामनाएं।